हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कल, जैसे कि आपने देखा था, कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने एक सिंगल रो में एडिशन करना सिखाया था बड़े नंबर्स का। तो हम आज आपको उसका एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट दिखाएंगे जिसमें हम डेसिमल नंबर्स को भी ऐड करना सीखेंगे। तो देखिए, मैं आपको कोई प्रोसीजर नहीं बताती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक एग्जाम्पल के उससे समझोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन, थोड़ा व्यू क्लियर हो जाए इसलिए कैमरा थोड़ा सेट किया है। 707.325 प्लस 1923.820 प्लस 58.009 प्लस 564.943 प्लस 65.600। तो गाइज, इसका हमें निकालना है सम कि कैसे रहेगा। तो प्रोसीजर सेम है जैसे कि कल हमने आपको बताया था। पहले स्टेप में हम वंस प्लेस के जो डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, ओके, वंस प्लेस के डिजिट आफ्टर डेसिमल मतलब 5, 0, 9, 3, 0, इनको लिखेंगे और इन्हें ऐड करेंगे। ऑल राइट, तो हमारा जो सम आएगा वो कुछ ऐसा होगा, 5 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 0। कितना हुआ? 5 प्लस 0 0, 5, 5 प्लस 9 14। तो 14 का हमने 4 इधर लिखा और 1 कैरी कर लिया। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 0 7। ओके, स्टेप टू, याद रखिए ये जो डिजिट्स हम ऐड कर रहे हैं ये डेसिमल प्लेस के राइट हैंड साइड में जो डिजिट्स हैं उन्हें ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, जो डेसिमल साइड में टेंथ डिजिट पे जो है इनको हम कट कर देते हैं, सॉरी नॉट दिस, दिस, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। अब 2 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0। अब याद रहे हमने जैसे कि कल आपको बताया था, इस स्टेप में पिछले स्टेप का कैरी जुड़ता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, जब यहाँ 14 आया था तो हमने 1 कैरी किया था। अब हम इसको जब ऐड करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 तो 9। अब ये टेंथ प्लेस पे आ गया और ये 7 आ गया हमारा वंस प्लेस का। ओके, अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक ही नंबर्स हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स आएंगे उनमें 3 प्लेसेस तक ही नंबर्स होंगे। तो हमें वंस और टेंस का पोजीशन मिल गया। अब हम स्टेप थ्री करते हैं जहाँ हम हंड्रेड्स पोजीशन को देखते हैं। 3 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 6, ये कितना हुआ? 3 प्लस 8 11, 1 कैरी हो जाएगा। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 9 10, 0 एक और कैरी हो जाएगा। 0 प्लस 6 6। तो हमारा जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स आ गए वो हो गए 0.697। दिस इज द आंसर फॉर डेसिमल डिजिट्स। नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट स्टेप। अब हम ये वाला पोजिशन को देखते हैं, स्टेप फोर। 7 प्लस 3 8 प्लस 4 प्लस 5, इसको ऐड करेंगे। 7 प्लस 3 10, एक कैरी आ जाएगा। 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 4 12, वन मोर कैरी। 2 प्लस 5 7, 7 में ये दोनों कैरी ऐड होंगे तो 7 प्लस 2 9।
तो अब हमारे पास जो आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, 9.697। अभी इसके आगे के डिजिट्स बाकी हैं। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 5। इसमें क्या करेंगे, 0 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6। 0 प्लस 2, 2, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 6 13, 1 कैरी, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 10 प्लस 11, तो 11 आया। अब उसका एक कैरी इधर लिखेंगे और 19.697 आ गया इधर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 6। स्टेप 6 में अगेन सेम रिपीट करेंगे हम, 7 प्लस 9 प्लस 5, बस और तो कोई डिजिट है नहीं। 7 प्लस 9 16, 6 यहाँ लिखेंगे, 6 प्लस 5 11, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। अब इस 1 को हम इन दोनों से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 319.697। स्टेप 7, क्योंकि हमारे पास एक डिजिट है जो 4 डिजिट का है, एक नंबर है ऐसा, तो हम इसमें सिर्फ 1 को ऐड करेंगे, 1 विल गेट एडेड। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 3। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो ये होगा, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइज अभी आपने ये देखा है कि हम डेसिमल नंबर में किस तरीके से ऐड करते हैं इन वन सिंगल रो। अब हम आपको बताएंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही क्वेश्चन में। जब आपको एडिशन भी करना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है तो आप एक सिंगल रो में कैसे कर सकते हो इन वन सिंगल रो। तो क्वेश्चन लेते हैं, 412 माइनस 83 प्लस 70। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सब्ट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है। तो जैसा कि अब तक हम कर रहे थे, पहले स्टेप में हम वंस प्लेस के जो डिजिट्स हैं उनको उन पे ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे वंस प्लेस के जो डिजिट हैं वो है 230, तो 2 माइनस 3 प्लस 0, तो ये क्या आया, -1। ओके, स्टेप 2, टेंस प्लेस के डिजिट देखिए, 1 माइनस 8 प्लस 7, ये क्या आएगा, -7 हो जाएगा ये, एंड ये +7, तो ये 0 आएगा बेसिकली। ओके, स्टेप 3, 4 माइनस 0 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 4। तो अब जो हमें नंबर मिला दैट इज 4 0 माइनस 1, क्योंकि ये हंड्रेड्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये वंस प्लेस है, तो हम उसी ऑर्डर में लिखेंगे। क्योंकि हमने अब बचपन में अगर आपको याद हो तो HTO पढ़ा था। अब देखिए आप यहाँ पे -1 है, राइट। अब इसको आप कैसे कर सकते हो, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, आई विल शो हाउ, एंड सेकेंड ऑल्सो आई विल गिव यू, दैट्स अ वेरी स्मॉल, उससे भी छोटा तरीका है। अब क्या करेंगे, देखिए आपको ये -1 दिया है, इसको आपको पॉजिटिव करना है। तो यहाँ पर तो 0 है, यहाँ से आप एक बोरो अगर यहाँ करोगे तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं। तो बेसिकली हमें पहले यहाँ से यहाँ आपके लिए कुछ लाना होगा। तो 4 से हमने 1 बोरो किया, ये कितना हो गया 3, यहाँ कितना हो गया 10, एंड दिस इज स्टिल -1। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 हमने यहाँ से एक बोरो कर दिया, तो यहाँ कितना हो गया 9। ओके, एंड 9 यहाँ पे क्या आया, 10 माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि एक बोरो करेंगे, तो 10 माइनस 1 विल बी 9 अगेन। तो जो आंसर आया वो कितना आया, 399।